हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो है कपकेक की। कपकेक बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी बनाने के लिए आपको किसी भी झंझट में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीके से हम इसे घर पे ही रेडी करेंगे। इसके लिए मैंने कोई अमन, कोई मोल्ड, कोई सिलिकॉन मोल्ड, कोई कप मोल्ड नहीं यूज़ किया है। और ये देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, ये कितना भी मैं प्रेस करूँ ये बाउंस होकर अपनी पोजिशन पर वापस लौट आते हैं। इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बने, बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी है। आपको देख सकते हैं, मैं इतना भी प्रेस करूँ ये फिर से वही उसी तरीके से वापस हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसे बनाने का आसान तरीका है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए एक मोटे तले की हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई नहीं तो पतीला भी आप ले सकते हैं। इसमें डालेंगे नमक, उसे प्री हीट कर देंगे, कवर करके छोड़ देंगे प्री हीट होने के लिए। और साथ ही फॉइल पेपर से इसके होल को बंद कर देंगे ताकि हीट ना निकले। इधर हम हमारी जो कप केक जिसमें हमें बेक करने हैं वो लेंगे हम कॉफ़ी कप, जिसमें हम कॉफ़ी सर्व करते हैं। इन्हें हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। साथ ही लेंगे थोड़ी सी टूटी फूटी। टूटी फूटी का टेस्ट बच्चों को बहुत पसंद होता है। ये टूटी फूटी की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें डालेंगे कॉर्न स्टार्च। कॉर्न स्टार्च नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर या अरारोट भी मिक्स कर सकते हैं टूटी फूटी में। साथ ही लेंगे 250 ml के कप से एक कप प्रीमिक्स, और उसका हाफ कप लेंगे हम पानी। पानी मैंने लिया, इसमें 1 teaspoon मैंने डाला है केक जेल। इसे डालना ऑप्शनल है, अगर है तो डालिए, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिना केक जेल के भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, केक जेल को हमें अच्छे से बीट कर लेना है। अब डालेंगे हम वनीला एसेंस 2 से 3 drops डालना। डिपेंड करता है कि आपका वनीला एसेंस कितना पुराना है। पुराना है अगर तो आप इसमें 2 से 3 drops एक्स्ट्रा डाल दीजिए। साथ ही अब हमने जो प्रीमिक्स लिया 250 ml के कप से, मैंने 1 cup प्रीमिक्स लिया है। इसे हम आधा आधा करके अच्छे से अपने केक जेल में मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हम डालेंगे 1 teaspoon इसमें ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसे फिर से करेंगे अच्छी तरीके से हम बीट। बीट करना बहुत ज़रूरी है। आप चाहें तो हैंड मिक्सर के साथ भी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से उससे भी हो जाता है। और अब डालेंगे हम इसमें टूटी फूटी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमारे बीटर से। एक बार बीट करने के बाद में इसे हम देख लेते हैं, इसका टेक्सचर चेक कर लेते हैं। इस तरीके टूट टूट के गिरना चाहिए। इसे तैयार करने के बाद में अब हम डालेंगे हमारे जो कप मोल्ड हमने ग्रीस करके रखे थे उसमें। आधा आधा ही हमें फिल करना है क्योंकि ये अभी राइस होंगे, पकेंगे तो ये ऊपर तक आ जाएंगे फ्रेंड्स, तो इनको स्पेस चाहिए होगी, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है। इसे हाफ ही करिए। और साथ ही डालेंगे कुछ कप केक में हम टूटी फूटी, और कुछ में डालेंगे हम डार्क कंपाउंड चॉकलेट। अगर आपके पास डार्क कंपाउंड चॉकलेट नहीं है तो आप डेरी मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कढ़ाई हमारी अच्छे से प्री हीट हो चुकी है, काफ़ी हीट है इसमें। देखिए हीट चेक कर लीजिए। उसके बाद में हम डालेंगे इसमें रिंग ना हो, कटोरी या प्लेट कुछ भी। उसके बाद में हम एक सिंपल सी प्लेट रखेंगे और सारे कपकेक्स रखेंगे जितने भी आपके प्लेट में आ सकती हैं। थोड़े थोड़े स्पेस के साथ ही इसे रखना, और इसे हम रख देंगे अच्छी तरीके से बेक होने के लिए। तो बेक होना बहुत ज़रूरी, करीब 20 मिनट तक इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे फ्रेंड्स। डिपेंड करता आपकी गैस की फ्लेम कितनी कैसी है, और डिपेंड करता आपकी कढ़ाई में हीट कितनी है, तो उस हिसाब से आप इसमें 20 मिनट के बाद इसे एक टूथपिक के साथ इसे चेक कर लीजिए। टूथपिक क्लीन निकलनी चाहिए, इसका मतलब आपके कपकेक रेडी हो गए। तो हम दूसरा बैच भी अब इसमें रख लेते हैं। ये हमारी चॉकलेट और जो मैंने डाली वो वाली है फ्रेंड्स, इसे भी हम बेक करते हैं 20 मिनट। 20 मिनट ऑलमोस्ट रेडी हो जाते हैं। ये जो पहले वाले मैं दिखाती हूँ, एक साइड से हम नाइफ डालिए और इसे निकालिए, बहुत ही आसान तरीके से निकल आते हैं। सेब थोड़ा 19-20 हो सकता है, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, पर टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, बहुत लाजवाब टेस्ट है। बच्चों को आपके बहुत पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, ये रेसिपी अगर पसंद आए आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ऑल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी मैं नई रेसिपी डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे कपकेक रेडी हो चुके हैं, और ये बहुत पसंद आएंगे आपके बच्चों को। मैंने बनाया तो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए। ये देखिए, 2 batches मेरे रेडी हो गए, ये तीसरा बैच भी मेरा रेडी हो गया है। टोटली मेरे 12 cupcakes बने हैं फ्रेंड्स। 250 ml के प्रीमिक्स, 1 cup प्रीमिक्स से मैंने 12 cupcakes रेडी किए हैं। आप भी कर सकते हैं इसी तरीके से, बिल्कुल आसान तरीका है फ्रेंड। मैंने कोई झंझट नहीं दिखाया है इसमें, बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी है तो आप प्लीज़ मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिए।
चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, और आपको कैसी लगी ये रेसिपी, ट्राई करी या नहीं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप किस कंट्री से ये भी बताइए। थैंक यू सो मच।